नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर खुफिया एजेंसियों की नजर। आज मुंबई में अपने भांजे अली शाह की शादी में स्काइप के जरिए शामिल हो सकता है दाऊद। कई गुर्गों के भी पहुंचने की आशंका। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। पाक आर्मी चीफ से कहा, जम्मू कश्मीर में भेजो सेना, पूरा करो जिन्ना का आदेश। एनएसजी पर पलटा पाकिस्तान, भारत को परमाणु परीक्षण नहीं करने की पेशकश की। दोनों देशों ने एनएसजी के सदस्यता के लिए भेज रखी है अर्जी। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में आई बाढ़, 8 लोगों की मौत, कई लापता, 40,000 घर डूबे, 20,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के विरोध को चीन ने किया दरकिनार, कहा हम पीओके कॉरिडोर बनाकर रहेंगे, भारत को अपनाना होगा उदार रवैया। रूस और ईरान में बढ़ी नजदीकियां, ईरान से उड़ान भरकर रूसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में बरसाए बम। ईरान ने सैन्य अभियान के लिए रूस को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की दी इजाजत। चीन की चूना पत्थर खदान में लगी आग, 12 लोगों की मौत, कई घायल, बचाव कार्य में जुटे दमकल और बचाव दल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।